तो कैसे आप लोग? तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सर्वो मोटर्स जो है, ये सर्वो मोटर्स ये छोटे साइज की है बट किस तरह काम करती है, और इनमें डीसी मोटर्स और सर्वो मोटर्स में क्या फर्क है। स्टेपर मोटर पे भी आएंगे बट वो थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, बट मेन मैं इस वीडियो में बात करूंगा सर्वो मोटर्स कैसे काम करती है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, सर्वो मोटर्स इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होती हैं। जितने भी हमारे रोबोट्स होते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, उनमें यूज होते हैं। तो क्यों हमारी नॉर्मल डीसी मोटर्स क्यों नहीं यूज होती, मैं बताना चाहूंगा। वो भी यूज होती है बट उनमें एक ड्रॉबैक है कि उनमें कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता है। दैट्स वाई हम उन्हें एक्यूरेटली मोनिटर नहीं कर सकते हैं कि करंटली उनकी लोकेशन, स्पीड, मतलब जो पोजिशन है वो क्या है। तो हम सर्वो मोटर्स यूज करते हैं, तो ये काफी रिलायबल होती है, मेंटेनेंस भी ज्यादा नहीं होती है, और इन्हें कंट्रोल और मॉनिटर करना काफी आसान होता है। मैं बताता हूँ कि एक नॉर्मल सर्वो मोटर में क्या फर्क होता है और डीसी मोटर से वो कैसे अलग होती है। तो ये एक स्मॉल मतलब प्रोजेक्ट्स के लिए नॉर्मली यूज की जाती है। आपने देखी होगी नॉर्मली ये मोटर है MG996R, तो ये आपको नॉर्मली अवेलेबल हो जाती है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो हमारी सर्वो मोटर में बेसिकली होती क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है। आई शो यू। कुछ ये जो हम देख रहे हैं, ये जो शाफ्ट है, एक्चुअल में हमारी जो मोटर इसके अंदर कनेक्टेड होती है, एक डीसी मोटर ही होती है, बट वो इस शाफ्ट के साथ कनेक्टेड नहीं होती है। तो वो दिखाता हूँ, ये देखिए, ये अंदर से इसका कुछ सेटअप है। मोटर यहाँ पर है बट जो आउटपुट शाफ्ट है यहाँ पर है। इसका रीजन ये है कि इसमें जो फीडबैक मैकेनिज्म लगा है वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसे पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। ये इसका गेयर बॉक्स है, यहाँ पर मोटर की आउटपुट शाफ्ट कनेक्टेड होती है। तो ये हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म सिस्टम है वो ये है। जो ये आउटपुट शाफ्ट होती है ये हमारे इस पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्टेड होती है। इसकी एक लिमिट होती है, जैसे कि आपने मोटर्स में देखा होगा कंप्लीट 360 रोटेशन लेती है, बट नॉर्मली सर्वो मोटर्स में 180 360 ऐसी रोटेशंस आती हैं। तो जो कंप्लीट रोटेशन वाली रहती है, जो रोटेट करती रहती करती रहती, उसके लिए अलग से एक पोटेंशियोमीटर आता है, उसे एनकोडर कहते हैं। उसका थोड़ा अलग मैकेनिज्म है बट जो नॉर्मली यूज होती है 180 to 360 डिग्री, उनमें यही यूज होती है। जो हमारा ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल पोटेंशियोमीटर देख सकते हैं आप, तो ये एक तरह से फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। और यहाँ पर इसके नीचे ही एग्जैक्टली कंट्रोलर होता है, जो कि इसकी पोजीशंस को एक्यूरेटली उस रेजिस्टेंस को एक वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और उसको विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा इनपुट पीडब्ल्यूएम सिग्नल होता है उसमें सेंड करता है। और जो छोटी मोटर्स होती हैं सर्वो मोटर्स, और जो जैसे जैसे बड़ी होती जाती है मोटर्स, उनमें फर्क ये आता है कि जो हमारी स्मॉल मोटर्स सर्वो मोटर्स होती हैं उनमें हमें पावर ड्राइवर्स की जरूरत नहीं होती। इसमें जो कंट्रोलिंग आईसी होती है वही हमारी जो मोटर को ड्राइव करने के लिए सफिशियंट होती है। बट जैसे जैसे हमारी सर्वो मोटर की रीडिंग बढ़ती जाती है, उस बिहाफ पे हमारे ड्राइवर्स लगते हैं। यहाँ पर जो नीचे दो आईसीज देख रहे हैं आप, ये दो आईसीज एच ब्रिज हैं। एच ब्रिज के लिए मैं एक स्पेसिफिकली अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एच ब्रिज क्या है, वो कैसे काम करता है एक मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए। तो ये कंट्रोल करते हैं मोटर की डायरेक्शन की, अगर मोटर रन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन, तो ये उस चीज में कंट्रोल करते हैं कि हमारी मोटर को जितनी पावर चाहिए सफिशियंटली ये प्रोवाइड कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल की इसे फॉरवर्ड जाना है या रिवर्स जाना है। तो इस तरह से ही कुछ काम करता है। तो बेसिकली होता क्या है, हमारा एक इनपुट रेफरेंस सिग्नल आता है, जो हम पीडब्ल्यूएम सिग्नल देते हैं कि सपोज हमें 80 डिग्री चाहिए, 90 डिग्री चाहिए, 360 डिग्री रोटेशन चाहिए, तो वो हमारा यहाँ तक इस प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचता है। और जो हमारी एट प्रेजेंट मोटर की पोजिशन होती है, जो कि इस सर्वो मोटर के जो कनेक्टेड कंट्रोल यूनिट है, जो कि ये है, इसके पोटेंशियोमीटर से वैरी होती है। जैसे कि इसमें हम अलग अलग रेफरेंसेस लेते हैं कि कितने बिट का रेजोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं। इसमें नॉर्मली जैसे आर्डिनो है, हम उसमें यूज करते हैं, तो 255 तक वो जो रेजोल्यूशन है वो आता है कि 0 से 360 डिग्री जो है डिवाइडेड है 255 यूनिट्स में, कि जितनी भी वोल्टेज आ रही है उसे हम जब रीड करेंगे तो 0 से 2255 तक जाएगी मैक्सिमम FFF। तो उस बिहाफ पे ये मॉनिटर होता है, हम
उसमें जो सर्वो की लाइब्रेरी है उसमें प्री डिफाइंड होता है कि इस सिग्नल पे ये करना है, तो हमें वो सारा काम नहीं करना पड़ता, वो सारा काम लाइब्रेरी करती है, तो वहां हमारा काम ही थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरह कुछ ये सर्वो मोटर्स काम करती है। सर्वो मोटर हमारी कनेक्टेड होती है एंड देन यहाँ पर हमारा एक आइडल ड्राइविंग गियर होता है जो कि इसकी पावर होती है उसको कंप्लीटली इस ड्राइविंग मैकेनिज्म तक डिलीवर करता है। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। हम स्पेसिफिकली अपनी खुद की एक सर्वो मोटर भी डिजाइन कर सकते हैं कि सपोज जो सर्वो मोटर्स आती हैं काफी कॉस्टली होती जाती हैं, जैसे जैसे उनकी रेटिंग्स बढ़ती जाती हैं, हमें पावर रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कितने टॉर्क की चाहिए, कितने आरपीएम की चाहिए, वो विद रिस्पेक्ट टू गियर्स बढ़ जाती हैं, और मेन नॉर्मली ब्रास गियर्स यूज होते हैं ताकि जो पावर है डिलीवर हो सके लो कॉस्ट, मतलब हम इसे ऑयलिंग वगैरह नहीं कर रहे क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ब्रास की, दैट्स व्हाई जो इसमें गियर्स प्रोवाइड होते हैं ब्रास के होते हैं। तो हम अपनी खुद की एक सर्वो मोटर भी तैयार कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल डीसी गियर्ड मोटर को यूज करके, बस हमें उसमें फीडबैक मैकेनिज्म यूज करना है एंड उसमें कुछ कोड यूज करने हैं कि हम एक मोटर ड्राइवर के साथ डायरेक्टली उसे कम्युनिकेट कर सकें। तो हम एक आर्डिनो को यूज करके एक मोटर ड्राइवर एंड डीसी मोटर यूज करके एक अपनी सर्वो मोटर क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, जस्ट हमें एक सिंपल कोड है, वो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ये काफी लंबी हो जाएगी उसके लिए यहाँ पे। तो उसमें हम अपनी डीसी मोटर को यूज करके सिंपली एक सर्वो मोटर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेपर मोटर भी आप शायद जानना चाहेंगे क्या होता है, बट वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता, वो कुछ अलग प्रिंसिपल पे काम करती है, तो उस पर भी हम आएंगे। बट सर्वो मोटर कुछ अलग कंसेप्ट है स्टेपर मोटर से, इनका यूज भी अलग अलग किया जाता है इंडस्ट्री में भी और प्रोजेक्ट्स में भी, जैसे कि डीआईवाई प्रोजेक्ट्स हो गए, इन सब में भी स्पेसिफिकली एज पर रिक्वायरमेंट जो होता है उसी तरह से इनका इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो आपका कोई भी क्वेरी हो सवाल हो ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स और मेल मी @innovationsfy, तो आई विल रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल। बाकी जितनी भी डिटेल्स होंगी इसकी मैं नीचे ब्लॉग है उसमें डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप ब्लॉग पे विजिट करके कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। सून ही मैं इसकी जो वीडियो है हाउ टू मेक एन सर्वो मोटर यूजिंग डीसी गियर्ड मोटर, सो उसे जल्दी अवेलेबल करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।